और उसी का आगे बढ़ के इंदिरा जी के कार्य क्षेत्र रहा है। जब वो प्रधानमंत्री बनी तो देश में अनाज की कमी थी, अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ा, अमेरिका से राशन लाए, अनाज लाए, गेहूं लाए लाल रंग के, तब देश को भोजन करा पाए। उस दिन इंदिरा जी ने संकल्प लिया कि अपमान की जिंदगी हम नहीं जिएंगे, और उन्होंने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का नारा दिया। और ये जो किसान बैठे हैं, उसने उस चुनौती को स्वीकार किया कि हरित क्रांति हम करेंगे, देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर करेंगे। और पूरे देश ने, देश के किसानों ने इतना अनाज उत्पादन किया कि आज 40 करोड़ नहीं 140 करोड़ आबादी के लिए एक साल नहीं 3 साल भी सूखा पड़ जाए हिंदुस्तान में, तो इतना अनाज एफसीआई के गोडाउनों में हमारे किसानों ने, अन्नदाताओं ने भर दिया है कि 3 साल तक कोई भूखा नहीं रहा। प्रियंका गांधी की सरकार है, अरे सरकार किसानों की सरकार है, वहाँ 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदा जाता है। अभी धान खरीदी चल रहा है, 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे। हमारा प्रदेश सबसे छोटा है, आप 22 करोड़ की जनसंख्या, हमारे यहाँ 3 करोड़ की जनसंख्या है, तो 22.5 लाख किसानों के हम 1 करोड़ से अधिक मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। ऋण माफी भी किए, राहुल जी बोला है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ऋण माफी होगा। 3/4 बहुमत से जीते छत्तीसगढ़ में, राहुल जी मनमोहन सिंह जी शपथ ग्रहण में गए थे, वो शपथ ग्रहण कराए, हम लोग एयरपोर्ट छोड़े, वो दिल्ली के लिए उड़े, हम मंत्रालय गए, वो दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंचे थे, 18 लाख किसानों के 9000 करोड़ रुपया हमने माफ किया। आजादी की लड़ाई में किसानों के आंदोलन का बड़ा बहुत बड़ी भूमिका, मैं गलत बोल रहा हूँ? गांधी जी ने बुनकरों के सम्मान, वो खुद चरखा चलाते, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? जो मेहनत का है उसका सम्मान, और वही चरखा देश की आजादी की लड़ाई का आंदोलन का प्रतीक बना। दलितों को सम्मान दिलाने का काम, श्रम का सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण कि महिला खुद अपने सर से ढोके दलित बस्ती में रहकर वहां की सफाई करने का काम, उसके पैखाना साफ करने का काम किसी ने किया तो महात्मा गांधी ने किया, कांग्रेस के नेता ने किया। बताने का मतलब यह है कि श्रम को सम्मान देने कोई भी काम है वो छोटा नहीं है, जो मेहनत करे उसका सम्मान होना चाहिए, ये कांग्रेस के सिद्धांत का सबसे बड़ा योगदान गांधी के योगदान से जुड़ा हुआ। और गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने जो मेहनत है, मेहनत कस लोग हैं, जो श्रम है, श्रम करने वाले लोग हैं, उसको उन्होंने प्रतिष्ठा दिलाई। आपको याद है चंपारण का वह किसान आंदोलन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया, बारडोली को किसान आंदोलन आपको याद है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लड़ा गया, अवध के जगह जगह बैलगाड़ी में घूम घूम के पेटी, लोहे के पेटी लेकर बैलगाड़ी में, जवाहरलाल नेहरू जी अवध के गलियों में गांवों में घूम घूम के किसान आंदोलन किए। किसानों को सम्मान दिलाने का काम किसी ने किया तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने। प्रदीप चौधरी जी